अब देख मैं देखता हूँ तुझे तान बदल दे तीदा चल दूँ ना देख लिया मुझ पर वार करने का परिणाम। मैंने कहा था ना कोई भी इस रेखा को पार नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम अभी जाएंगे रेखा के पार। चले जाइए यहां से अन्यथा और दुर्गति होगी आप सभी की। हम महादेव के घर अब और अपना अपमान नहीं सहेंगे। आगे बढ़ो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही, कर लीजिए प्रयास। स्वामी अभी तक आए क्यों नहीं? पार्वती, अरे पार्वती, ये सुगंधी लगाना तो भूल ही गई। ये विशेष सुगंधी तुम्हारी माता ने भेजी है। उसके साथ मैं यही व्यवहार करूंगा। हटी बालक, अब मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूंगा।
अब मुझे रोक कर दिखाओ। इसमें तो मेरे मायके की स्मृति छिपी है, अवश्य ये सुगंध मेरे स्वामी को भी भाएगी। सिंह ने यदि इस बालक को भेद दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये वहां कहां जा रहे हैं? इन्हें रोकने के लिए तो मुझे इनके सिंह नष्ट करने होंगे। लग करता हूं नहीं, ये नहीं हो सकता। शंगी के प्राण तो उसके सिंह में वास करते हैं, यदि उसके सिंह टूट गए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
अद्भुत और अपार शक्ति का स्वामी है ये बालक। देखना ये होगा कि नंदी जी का सामना ये कैसे करता है। सभी पीछे नहीं हटूंगा, आपका डट कर सामना करूंगा। इन्हें इससे आगे कदापि नहीं जाने दूंगा। पीछे से मेरी पूछ पकड़ ली, मुझे रोक दिया इसने। अभी तो रोका ही है, अब आपको इस रेखा से दूर भी ले जाऊंगा। मैं इन्हें खींच क्यों नहीं पा रहा हूं? कुछ भी कर ले, माँ का आदेश अटल था, अटल रहेगा। वायुदेव, स्वामी, कहाँ थे आप? चिंता के मारे मेरे प्राण सूख रहे थे। कुछ हुआ था क्या? गजासुर ने हम देवताओं को बंदी बना लिया था। यदि उचित समय पर विष्णुदेव और नंदी हमें उसके बंधन से मुक्त नहीं कराते तो वो दुष्ट गजासुर हमारी और दुर्दशा करता। नंदी? आनंदी, अद्भुत था वो दृश्य जब नंदी ने अपने अपार बल का प्रयोग करके भोलेनाथ को गजासुर से मुक्त कराया। नंदी का अपार बल तो भोलेनाथ की सेवा के लिए सदा तत्पर रहता है। लौट क्यों रहे हैं? क्या करना चाहते हैं वो?
चारों ओर क्यों दौड़ रहे हैं? धूल का बादल उमड़ उठा है, मुझे कुछ स्पर्श दिखाई भी नहीं दे रहा। कैसे मुक्त हो इससे मैं? ये बवंडर तो मुझे अपने साथ ऊपर उठाकर ले जा रहा है। अब तुम यही इस आकाश में, इस बवंडर में स्थित रहो बालक। नारद भयभीत, यदि उनके पुत्र का तनिक भी अनिष्ट हुआ तो माता पार्वती बवंडर उत्पन्न कर देगी। किंतु मैंने जो किया वो भी तो आवश्यक ही था, उसमें भी था सृष्टि का हित। माता पार्वती के क्रोध से कैसे रहूं सुरक्षित? नारद प्रफुल्लित, माता पार्वती का क्रोध जागृत हुआ है तो वही शांत कर सकते हैं, अर्थात विष्णुदेव। नारायण नारायण, शीघ्र ही वैकुंठ चलता हूं अति शीघ्र। नारायण नारायण। मुझे इस बवंडर से बाहर निकलना ही होगा। ये क्या हुआ? कैसा प्रकाश था ये? स्वामी, मुझे ज्ञात है कि आप गजासुर के वश से अति आनंदित हैं, किंतु उससे भी अधिक आनंदमय सूचना मेरे पास है। गजासुर के वध से अधिक आनंद में सूचना हमारे लिए और क्या हो सकती है प्रिय? बताती हूँ प्रभु, बताती हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। देवी पार्वती के निमंत्रण पर मैं कैलाश गई थी। आपको पता है मैंने वहाँ कैसे देखा? वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। अद्भुत? कौन है अद्भुत? वो बहुत हुई आपकी क्रीड़ा, अब मैं आपकी इस कृत्य का उचित उत्तर दूंगा। क्रीड़ा तो तुम्हारी बहुत हुई है बालक, किंतु अब नहीं होगी। शिव शंभु, अपने इस सेवक वासुकी को आदेश दीजिए, मैं अभी जाकर इस बालक को उचित पाठ सिखाता हूँ। एक कुत्तंड बालक भोलेनाथ की महिमा को चुनौती दे, ये देवराज इंद्र को स्वीकार नहीं है प्रभु। अमृत पान कर चुके हैं हम, अमर है हम देवता प्रभु, अभी उस उत्तंड बालक को अमृतों की शक्ति दिखाते हैं। हाँ, की शक्ति का अहंकार है इस बालक को, मैं अपने ताप से भस्म कर दूंगा उसे। गजासुर हमारे समक्ष टिक नहीं सका तो दुस्साहसी बालक हमारे सामने क्या टिकेगा? प्रभु, उसका अहंकार भी नष्ट होगा। हाँ, अहंकार का नष्ट हो जाना ही उचित है, प्रतीत होता है यही होगा। अहंकार मिटेगा और तो ही तो शुभता का विस्तार होगा।
उस बालक को पराजित करने के लिए आप सभी देवताओं की शक्तियां पर्याप्त हैं। शीघ्र जाइए और उसके तंब का अंत कीजिए। अवश्य मिटेगा, सबका अहंकार मिटेगा। अभी ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई है मेरे पीछे। ना स्वयं शांत बैठते हैं, ना दूसरों को शांत बैठने देते हैं। उन्हें लौटाया था, अब ये आ गए। उचित है, आइए। के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। किसी ने भी लांघने का प्रयास किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ए बालक, क्यों अपने जीवन के शत्रु बने हुए हो? हटो मेरे मार्ग से और अपने जीवन की रक्षा करो। आप लोग एक ही बार में समझ क्यों नहीं जाते? मैं अपने स्थान पर और अपने निर्णय पर अडिग हूँ और अडिग रहूंगा। कोई इस रेखा के आगे नहीं जा सकता। एक ज्ञात भी है मैं कौन हूँ। निकल जाऊंगा। नागा जासुकी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तुम मेरा ग्रास बनोगे बालक। नागा जासुकी, रुक जाइए। रुकना तो इसे चाहिए था कि शंभू का अपमान करने से पूर्व ही वायुदेव इस बालक का अंत निश्चित है। नागराज वासुकी, ये दुस्साहसी है, उद्दंड है, किंतु है तो एक बालक ही। हमें इसे एक अंतिम अवसर देना चाहिए। शांत नागराज, कदाचित वरुण देव उचित कह रहे हैं। उचित है देवराज, किंतु यदि ये तब भी नहीं माने तो मैं विवश हो जाऊंगा। ये कैसे कैसे विचित्र रूप धारण करके आ रहे हैं आप सभी। सर्वप्रथम वृषभ, फिर मेणा और अब ये विशालकाय सर्प। क्या एक एक करके आप सभी पशुओं और जंतुओं के रूप धारण करेंगे? तो ये बालक अब भी नहीं समझा।
अब भी इसमें इतना ही अहंकार शेष है? इसके अहंकार का उपचार करता हूं मैं अभी। नागराज वासुकी, अब शांत हो जाइए, मैं समझाता हूं उस बालक। बालक जिनका तुम अपमान कर रहे हो वो नागराज वासुकी है। वो नागराज वासुकी जो अमृत मंथन के समय मेरु पर्वत जैसे दिव्य और विशाल पर्वत की मथनी को सागर में स्थिर रखने के लिए दौर बने थे। एक ओर से इन्हें हम देवताओं ने पकड़ा और दूसरी ओर से दुष्ट असुरों ने। फिर वासुकी जी की सहायता से सागर मंथन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सागर ने हमें अनेक दिव्य उपहार दिए। सर्वप्रथम सागर से निकला अत्यंत घातक हलाहल विष, फिर देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, गौ माता कामधेनु, दिव्य अश्व उच्च श्रवा, बहुमूल्य कौस्तव मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं, श्री स्वरूपिनी माता लक्ष्मी, मदिर कलश लिए अपूर्व सुंदरी वरुणी, चंद्रमा, दिव्य पारिजात वृक्ष, शंख और आयुर्वेद एवं अमृत कलश के साथ धन्वंतरी जी भी। और तुम उन नागराज वासुकी देव का अपमान करने की भूल कर रहे हो जिनके सहयोग के बिना सागर मंथन असंभव था। ओ अच्छा, तो सागर मंथन में ऐसा हुआ था। सुनो बालक, मेरे सूर्य देव के अतुलित तेज से, अग्निदेव के ताप से, वायुदेव के 49 मारुतों के वेग से, जल संचारक वरुण देव की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो बालक। देखा तुमने हम देवताओं की शक्ति, और तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। माता के आदेश के पालन के लिए आप सभी को कुछ क्षण के लिए रोका है। अपमान तो तब होगा जब मैं आप सभी को परास्त करूंगा। हमसे संघर्ष का परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बालक। परिणाम की चिंता तो आपको करनी चाहिए। आपने अपनी शक्तियां तो दिखा दी, किंतु मुझसे युद्ध करने की शक्तियां है आप में? आयु और अनुभव में तुमसे बड़े होने के नाते मेरा यानी कि अग्नि देव का कहना मान लो और हट जाओ हमारे मार्ग से। देवता हैं हम, अपार शक्ति है हमारी, जिसका प्रयोग कर बड़ी सहजता से हम तुम्हें पराजित कर सकते हैं। कल्पना में, वास्तविकता में नहीं। आपकी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी मेरे समक्ष। ये बालक ऐसे नहीं मानने वाला है, इसे तो क्रीड़ा में ही उलझाना पड़ेगा। मैं कुबेर और तुम इस विवाद को समाप्त करने का दूसरा उपाय सोचते हैं, जिसमें तुम्हारी बात भी रह जाए और हमारी भी। तुम्हें सागर मंथन की कथा सुनाई थी ना मैंने, तो नागराज वासुकी की सहायता से हम सागर मंथन जैसी क्रीड़ा क्यों ना करें। हाँ, कदाचित इसमें आनंद आएगा, किंतु मंथन के बाद सागर में से इतनी दिव्य वस्तुएं निकली थी, हमारी इस क्रीड़ा में जो विजयी होगा उसे क्या प्राप्त होगा? यदि हम देवता विजयी हुए तो तुम हमें आगे जाने दोगे। विजय होंगे आप सभी, असंभव। नागराज वासुकी, मान लीजिए मेरा प्रस्ताव, इस क्रीड़ा में यह अवश्य पराजित होगा। इसके हट के साथ भोले शंकर की प्रतीक्षा भी समाप्त होगी और वो भीतर भी जा सकेंगे। ठीक है,
भी अपना क्रोध दिखा रहे हैं। अब पकड़ ही लेता हूँ इन्हें। मैं तो आपको मुक्की ओर से पकड़ूंगा और आप सभी इन्हें पूछ की ओर से पकड़कर खींच लीजिए। ये इस बालक का भोलापन है या अहंकार जनित अति आत्मविश्वास? मैं इस क्रीडा में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा बालक, इसीलिए इस क्रीडा में मैं अग्निदेव एक ही हाथ का बल लगाऊंगा। क्षण भर में समाप्त होगी यह क्रीडा, अग्निदेव के समक्ष पल भर भी नहीं टिक सकोगे तुम। तो प्रारंभ करें बालक। अवश्य। अच्छा, ये तो अपने ही स्थान पर स्थित है। मुझे और बल लगाना होगा। मेरा सामना नहीं कर सकेंगे। अरे, आपने प्रारंभ कर दिया, मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ। मैं भी बल का प्रयोग करता हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है? इस बालक ने मुझे कैसे खींच लिया? आप स्थित रहिए अग्निदेव, मैं आपकी सहायता करता हूँ। बस इतनी ही शक्ति है आप दोनों में। अग्निदेव किसी को भी अपने ताप से भस्म कर सकते हैं और वायुदेव जो बवंडर उत्पन्न कर देते हैं। बालक, अब हम इस क्रीडा को समाप्त कर देंगे। देखता हूँ क्रीड़ा आप समाप्त करते हैं या मैं। आश्चर्य, इस बालक में इतना सामर्थ्य। अग्निदेव और मेरी वायुदेव की सम्मिलित शक्ति का सामना कर रहा है, खींच रहा है हमें। अग्निदेव अपने पांव जमाइए। वायुदेव आप इतने भारी हैं क्या? बल लगाइए, अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। चलिए, आप हमें आदेश मत दीजिए सूर्यदेव। आप स्वयं संभाल कर दिखाइए इसे। ये तो एक दूसरे से ही उलझ रहे हैं, यही उचित अवसर है। एक बालक से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे तो ये बालक विजयी हो जाएगा। कुबेर जी, आप देख क्या रहे हैं? हाथ लगाइए, संभव है जो स्वर्ण आपने अपनी देह पर धारण कर रखा है उसका भारी हमारा सहायक बन जाए। उचित है अरुण देव। आप खींच रहा है, और बल लगाओ, और बल लगाइए, बराबर कर देंगे। ये कैसे संभव है? अवश्य ही बालक कोई अदृश्य मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हम भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आ, मेरे पांव तप रहे हैं, किंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी माँ को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखिए मेरी शक्ति। क्या हो गया आपकी दिव्य शक्ति को? यदि आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करेंगे तो मैं उससे भी बड़ी शक्ति से आपको पराजित कर दूंगा। अरे, ये हिम कहां से आ गया? गिर रहे हैं हम। पकड़ो। अरे, ये क्या हो रहा है? आप सभी को थोड़ा संभल कर रही है। बड़ों का अपमान तो बालक का दुर्भाग्य बनता है स्वामी। आपके वरदान से प्राप्त पार्वती का पुत्र देवताओं का बार बार अपमान क्यों कर रहा है? हाँ प्रिय, इस बालक की उदंडता में वृद्धि होती जा रही है और ये शुभ नहीं। प्रभु,
यदि आप सारे देवताओं को बता दें कि ये बालक देवी पार्वती का पुत्र है तो ये युद्ध स्वतः रुक जाएगा। देवी, जब स्वयं भोलेनाथ शांत है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। अब मैं इस बालक की उदंडता को और नहीं सहूंगा। अब मैं इसे अपना तेज दिखाता हूँ। देवगण, आप लोग नागराज वासुकी को छोड़ दीजिए। ये क्या? इस सर्प का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ भी कर लीजिए, किंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे। बस बस, बहुत हो चुका। इसने तो पृथ्वी को विभक्त कर दिया। पाताल दिख रहा है मुझे। अग्नि देव तो मैं ही हूँ। यदि मैं नीचे गिर भी गया तो अग्नि का तो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु ये नुकीली शिलाएं, उनसे तो कोई बचाव नहीं। आहत हो जाऊंगा मैं। मैं इनका कोई अहित नहीं चाहता, किंतु मैं इन्हें परास्त युद्ध से ही करूंगा। सभी देवगण पराजित हो रहे हैं, मुझे ही शीघ्र कुछ करना होगा। सदैव मेरी रक्षा करोगे, उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ के आशीर्वाद से मेरे नेत्र पुनः स्वस्थ हो गए। सर्वप्रथम आपने कहा था मात्र अपने बल का प्रयोग करेंगे, किंतु आपने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। बल और शक्ति दोनों में मैं आपसे श्रेष्ठ रहा, तो आपने इतना तुच्छ व्यवहार किया। इन नाग ने मुझ पर अपना विष डाल दिया। अब देखिए इसका परिणाम। उनका विष हम पर गिर सकता है। बचिए देवगणों। हो गई क्रीड़ा समाप्त। पराजित हो गए ना आप सब। अब जाइए यहाँ से। अब तो हम आगे बढ़कर ही रहेंगे। अरे नागराज तो हमारे ऊपर ही गिरने वाले। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? मुझे जकड़ लिया इन्होंने। उद्दंड बालक, अब हमें रोक कर दिखाओ। मुझे नीचे उतारिए अभी। अब इस उद्दंड बालक को ज्ञात होगा कि हम देवताओं को रोकना बालकों की क्रीड़ा नहीं है,
अब परिचित हुए मेरी शक्ति से, यही है तुम्हारी उदंडता का दंड। दंड? दंडित तो आप सभी होंगे, माता की आज्ञा के बिना भवन के भीतर जाने का प्रयास करने के लिए। दुस्साहसी बालक, अब तुम्हारा दुस्साहस और नहीं सहूंगा मैं, विष प्रहार करूंगा तुम पर। मेरा पुत्र, वो अभी तक बाहर ही है, वो क्या कर रहा होगा वहां? अवश्य क्रीड़ा में ही व्यस्त होगा। मेरी शक्ति को कम समझने की भूल मत कीजिए, अभी मुक्त हो जाऊंगा आपके बंधन से। मेरे दिव्य दंड, इन्हें रेखा मत लांगने देना। इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, यही उचित अवसर है। अब कैसे बाधित हुआ हमारा मार्ग? देखिए सूर्यदेव, उस बालक का दिव्य दंड। इस बालक का ये दंड हम देवताओं का उपहास करें? रुकिए मत, आगे बढ़िए। ये क्या, इस दंड ने तो हमें बंदी बना लिया है। एक बालक का ये दिव्य दंड हमारी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं अग्निदेव, हम अपने बल से इस बंधन को तोड़ देंगे। बल प्रयोग कीजिए। अरे, ऐसे झूलने में तो बड़ा आनंद आ रहा है, अपना शीश ऐसे ही झुलाते रहिए। ओह, मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ। अब इनके मुख से कैसे बचूं? इनसे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है मुझे। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी प्रतीक्षा विचलित कर रही है मुझे। किंतु पार्वती, प्रतीक्षा करने के सिवाय तुम कर भी क्या सकती हो? मैं उनके स्वागत के लिए खीर बना सकती हूँ। उसी खीर की मिठास के साथ मैं उन्हें अपने पुत्र के जन्म का मधुर समाचार भी दूंगी। फिर मुझे स्वामी के साथ मेरे पुत्र का अन्नप्राशन भी तो करना है। तुम दोनों यहीं रुको, ये खीर मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुद्धा भी लगी होगी।
तेजस्वी बलशाली देवताओं को चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं अभी अपने तेज से इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये तो अवश्य ही कोई बड़ी माया है जिसने मुझे सूर्य देव को रोक दिया। बस इतना ही तेज आपका मेरे बंधन से भी मुक्त नहीं करा सके स्वयं को। विश्वास नहीं होता, हम देवता एक तुच्छ बालक के समक्ष विफल हो गए। पार्वती के पुत्र का दम सभी सीमाएं लांग चुका है, जिसे देखकर मेरे हृदय में चिंता उत्पन्न हो रही है, कहीं उसका कोई अनिष्ट ना हो जाए। देवी, आपकी चिंता का आभास है मुझे। स्वामी, फिर आप सभी देवताओं को उनका परिचय क्यों नहीं दे देते? ये देवी पार्वती का पुत्र है, सबको ये बताकर आप इस अनावश्यक युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे हैं? प्रिय, जब स्वयं भोलेनाथ शांत हैं, विष्णु देव भी शांत हैं, तो मेरा अनावश्यक हस्तक्षेप करके देवताओं को ये बताना अनुचित नहीं होगा। विश्वास रखिए, भोलेनाथ और विष्णु देव के शांत रहने के पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इतना परिश्रम करा दिया, भूख लग गई है, दुख तो भीतर जाने के बाद ही मिलेगा। ये क्या, के फल कुतरने मात्र से इतना कंपन? ये कैसी ध्वनि है, कैसा कंपन है? विशाल काय, इतना सुंदर श्वेत गज, आश्चर्य, बड़ा विचित्र गज है ये, कितना विशाल है। स्वयं इंद्रदेव आए हैं हमारी रक्षा के लिए, उनके समक्ष कहां टिक पाएगा ये बालक? थी वो फल मेरे खाने के लिए था। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र, और मैं तुम्हारी स्वतंत्रता से क्रोधित हूं। क्या रहे, किसी भी प्रकार की दया नहीं करूंगा मैं तुम पर। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा भीषण दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंड? दंडित तो मैं उन्हें करूंगा जो मुझे मेरी माँ की आज्ञा का पालन करने से रोकेंगे। उन्हीं की भांति सर्वप्रथम ऋषभ, फिर मेढ़ा और सर्प के रूप में मुझसे युद्ध करने आए थे। शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। मैंने तो अभी शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ ही किया है और आप पीछे हटने पर विवश भी हो गए। बस इतनी ही शक्ति है देवराज इंद्र की। अभिमानी बालक, तुम मेरा देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। अब बालक समझकर तुम्हें कोई भी अवसर नहीं दूंगा मैं। अवसर मांगता कौन है, आप भी अन्य देवताओं के समान शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। देखोगे तो तुम बालक, तुम्हारी इस
उत्कंठता का भीषण परिणाम। तो दिखाइए। देवराज ने अपने वज्र का आह्वान किया है। उनके वज्र की प्रचंड शक्ति के प्रहार नहीं बच सकेगा ये बालक। देवराज का ये अस्त्र तो जैसे अतुलित ऊर्जा से संपन्न है, किंतु इस ऊर्जा का प्रहार भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे वज्र को रोक दिया इस बालक ने। ये कैसी विलक्षण शक्ति का स्वामी है ये। अब आप मेरे प्रहार से अपना बचाव कीजिए देवराज। रावत शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। रावत स्थिर हो जाओ। कौन है ये बालक जो मुझ पर भी भारी पड़ रहा है। देवराज इंद्र को भी भूमि पर गिरा दिया इस बालक ने। तो क्या हम देवताओं में कोई भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं? फिर क्या करें हम? इस अभिमानी बालक की उदंडता तो बढ़ती ही जा रही है। अब तो इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है। सूर्यदेव शीघ्र बताइए क्या है इसका उपाय। मृत्यु के देवता यमराज। यमराज? सूर्यदेव कदाचित उचित कह रहे हैं वरुणदेव। सारी सीमाओं को पार कर चुका है ये बालक। हम देवताओं की सम्मिलित शक्तियां भी इसे रोक नहीं पाई, किंतु अब शीघ्र इसका रोका जाना आवश्यक है, अन्यथा ये भोलेनाथ के कोप को जागृत कर देगा। इसे वश में करने के लिए साधारण दंड नहीं, केवल यमराज का भयंकर पाश ही इसे वश में कर सकता है। यमराज के पाश से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, ये बालक भी नहीं। यमराज हमारी रक्षा कीजिए। अपने इस भयंकर रूप से ये मुझे भयभीत करना चाहते हैं, किंतु उसमें ये कदापि सफल नहीं होंगे। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुदा भी लगी होगी। देखा बालक, मुक्त हो गए ना हम। बालक तुम्हें जीवन से ही मुक्ति दूंगा, तुम्हारे प्राण हरकर तुम्हारे अहंकार को खंडित करूंगा। अच्छा तो अब आप ही अपना गुणगान अवश्य करेंगे, मुझे बताएंगे कि आप कितने शक्तिशाली देवता हैं, और ये भी बताएंगे
कि अपनी शक्ति से कैसे मुझे उचित पाठ पढ़ाने वाले हैं। मैं आपसे भयभीत नहीं। आप भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। दुष्ट बालक, तुझे क्या भी है? तूने किससे उलझने का दुस्साहस किया है? मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं है, न मानव न दानव। समय आने पर सभी मेरे पास के वश में आ जाते हैं। मृत्यु का देवता यमराज हूं मैं। तुम्हें मृत्यु देकर तुम्हारे साथ तुम्हारी उद्दंडता का भी अंत करूंगा। शरीर से उत्पन्न कर कैसे भयावनी कीट भेज रहे हैं मेरी ओर? नारद भयभीत, माता पार्वती के पुत्र ने कैलाश में उत्पात मचाया हुआ है प्रभु। याद है मुझे देवश्री नारद, किंतु स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? क्या कहूं नारायण, ये सब कुछ शनिदेव के कारण हुआ है। उन्होंने डाली बालक पे दृष्टि और हिला डाली सारी सृष्टि। उसी कारण बालक की उद्दंडता इतनी बढ़ गई है कि समस्त देवताओं के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है प्रभु। किंतु देवर्षि, जो शनि देव कहीं जाते ही नहीं, वो कैलाश गए ही क्यों? उसकी प्रेरणा उन्होंने कहां से प्राप्त की? समस्त देव लोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। बताइए देवर्षि, आप मौन क्यों खड़े? क्योंकि यदि उनके पुत्र का कुछ भी हित हुआ तो देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर होगा, और तब स्वयं भोलेनाथ के लिए भी उसे रोकना अत्यंत कठिन होगा। और यदि उन्होंने आपको अपना दोषी पाया तो आप उनके भयंकर दंड के भागी बनेंगे। ओह, इन्होंने तो बांध लिया मुझे। अब तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान होगा बालक। दुष्ट बालक, अब मैं तुम्हें नर्क ले जाकर दंडित करूंगा। इनका यमलोक तो वास्तव में भयंकर है। इतना भीषण दंड जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी चित्कार सुनाई दे रही है। ऐसी ही दुर्गति होगी तुम्हारी भी दृष्ट बालक। यमराज से अब तुम्हें कोई रक्षित नहीं कर सकता। नर्क लोक की असहनीय पीड़ा ही अब तुम्हारी नियति होगी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे अपने भीतर खींच रहा है। मैंने शीघ्र कुछ ना किया तो ये खींच कर अपने यमलोक ले जाएंगे मुझे। इनके पास में बंधा रहकर वाष्प बनकर उड़ जाऊंगा। कितना भयंकर दृश्य है ये बालक यमराज का दंड कैसे सहेगा? ये कैसी अनिष्टकारी अदृश्य शक्ति जो मेरे निकट आने का दुस्साहस कर रही है। अरे, ये मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। Yeah!
कौन सी शक्ति है जो इस आकृति के रूप में यहाँ उत्पन्न हो रही है? क्या इसे अपने विनाश का भय नहीं है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। कैसे हुआ ये? अच्छा हुआ ये आकृति अपने आप ही मिट गई। मिटा दूंगा माँ के आदेश के पालन में आए प्रत्येक अवरोध को। यमराज, मैं आपको आपके इस महिष से बांध दूंगा। ऊर्जा तो मुझे ही घेर रही है। यमराज, ये कैसे संभव है? मैं यमराज हूँ, आत्माओं को बंधन में बांधता हूँ और इस बालक ने तो मुझे पराजित कर दिया। यमराज को भी पराजित करने वाले इस असाधारण बालक से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? अब इससे मुक्त होने का कोई और उपाय सोचना ही होगा। इस समस्या का एक ही समाधान है सूर्यदेव, भोलेनाथ अपने ध्यान में विलीन, इसलिए हमें श्रीहरि विष्णु से गुहार लगानी होगी। हे विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। ये बालक हम देवताओं की प्रतिष्ठा को धूल दूषित कर रहा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे विष्णु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम कमलनयन। प्रणाम विष्णुदेव, अब तो आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। महादेव तो ध्यान में मग्न हैं, आपको उनका ध्यान भंग किए बिना ही संसार को इस संकट से उबारना होगा। उचित है ब्रह्मदेव, मैं इस बालक को समझाने का प्रयास करूंगा, उसे महादेव का उचित परिचय देकर इस अनर्थकारी युद्ध को रोक दूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ विष्णुदेव, तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य, ये तो अन्य सभी से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने अद्भुत ये कौन है? मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण।
और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही। और ये श्वेत पक्षी पर ये चार मुख वाले कौन हैं? ये दोनों क्या करने आए हैं यहाँ? ये दोनों कोई साधारण देवता तो नहीं प्रतीत होते हैं। संभव है मुझे इनसे और भी भीषण युद्ध करना होगा। कितना अनुपम सौंदर्य है देवी पार्वती के पुत्र का। अत्यंत आकर्षक और मनभावन है इसका रूप। मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो तो। ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे अनुपम व्यक्तित्व में ज्ञान और शक्ति दोनों का समावेश होगा। स्वयं शिव और शक्ति के समान। कितना शांत मधुर और करण परी स्वर है इनका। इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? किंतु मुझे सचेत रहना होगा, कहीं ये भी मुझे बहलाकर भीतर जाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा होता यदि तुम अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पहचान पाते, ये जान पाते कि महादेव कौन है जिन्हें तुम रोक रहे हो। अच्छा, अब समझा कि आप मुझे इतने आशीष क्यों दे रहे थे। बालक समझकर मुझे अपनी प्रशंसा से बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार ही नहीं, इसकी बुद्धि में तो अविश्वास भी भरा हुआ है। बालक, जो तुम कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण तो तुम्हारे पास अवश्य होगा, किंतु महादेव को भीतर जाने से रोकना उचित नहीं है। उन्हें जाने दो। बस, बस, बस। अब और कुछ मत कहिए। मैं क्या कर रहा हूं और उसका क्या कारण है मैं आपको क्यों बताऊं? और वो कौन है, भीतर क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना हट उचित नहीं है पुत्र, हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम, इसीलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति का हट उसके विनय को हर लेता है, और जहां विनय नहीं वहां विनाश अवश्य होता है। इसलिए अपना हट त्याग दो, अन्यथा उसका अवश्य ही कोई भारी दुष्परिणाम होगा। हम तुम्हारा हित चाहते, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, सच? आप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते? तो फिर ये और इनके पशु क्या मुझसे मनोरंजन के लिए युद्ध कर रहे थे? नहीं पुत्र, युद्ध से कहां किसी का हित होता है। युद्ध तो सदैव बुराई का अंत करने का अंतिम उपाय होता है, किंतु युद्ध तो व्यक्ति को अपने भीतर बसे अहंकार और क्रोध से करना चाहिए। यदि सभी ऐसा करें तो युद्ध स्वतः ही टल जाएगा। और यदि तुम भी अपनी बातों से मुझे भ्रमित मत कीजिए, ये युद्ध अवश्य टल जाता यदि आप और आपके कृपा पात्र मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालते और मुझे अकेला छोड़ देते। सुनो पुत्र, इस समय एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम अपना हट त्याग कर महादेव को भीतर जाने दो। यदि तुम्हारी माता ये बात सुनेंगी कि तुमने महादेव को भीतर जाने से रोका है, तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। मेरी माँ को इस रिवाज में मत लाइए। इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। बस बालक, ब्रह्मदेव शांत हो जाइए।
मुझे विश्वास है कि हम इस बालक को उचित आचरण पर लाने में अवश्य सफल होंगे। सफल होंगे? किंतु कैसे श्री हरि विष्णुदेव? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, कौन है आप? मैं नहीं जानता। बहुत सुन चुका, कितनी बार एक ही बात दोहरानी होगी। कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले, मुझे ये उचित पाठ पढ़ाकर आपको भी लौटाना होगा। जाओ बालक, हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। इससे पूर्व कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए इन देवताओं के समान आपसे भी युद्ध कर आपको पराजित कर दूं, चले जाइए यहाँ से। इस बालक का हठ इसका विवेक हर रहा है, इसीलिए हमारा भी अपमान कर रहा है। आप जो भी करें उससे इस बालक को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बालक क्यों नहीं समझ रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण के बाहर जा रही है? मैं भी देखता हूँ मुझसे आपकी रक्षा कौन करता है। क्या किया इस बालक ने? अपने दंड से मुझ पर ही वार कर दिया। लेकर मुझे भयभीत करना चाहते हैं ये, किंतु उसमें सफल नहीं होंगे।
तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है।